नमस्कार दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आज आपको वीडियो के अंदर जो मशीन देख रहे हैं ये जीरा इसबगोल बिजाई मशीन है। हर एक किसान को ये मशीन खरीदना चाहिए और वो आपकी टाइम की अच्छी बचत कर सकें, उसके साथ साथ बीज की भी अच्छी बचत कर सकें। अपन जीरे की बुआई करते हैं या इसबगोल की बुआई करते हैं, छिड़काव विधि से बुआई करते हैं, सीडल मशीन से बुआई नहीं करते हैं, क्योंकि अभी अभी इसी ज़माने के अंदर 2-3 साल से मशीनें बना रहे हैं। कई किसानों तक पहुंच गई है, कई किसानों तक नहीं पहुंची है। तो आप वीडियो को आगे पीछे ना करें, पूरी जानकारी लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जो किसान 1 बीघे के अंदर 2.5 से 3 केजी छिड़काव विधि के अंदर जीरे को डालते हैं, वही जीरा आप इस मशीन के अंदर डाल के 1 बीघे के अंदर 700 ग्राम डाल के वही आप फसल ले सकते हैं। जो आप बीज 2.5 से 3 केजी डाल के जो फसल ले रहे हैं, जितना आपका बीघे का जो एवरेज बैठ रहा है, वही आपका एवरेज 700 ग्राम में बैठेगा। क्योंकि ये मशीन एकदम प्रॉपर तरीके से बीज गिरती है और जो इसकी जो आपस की जो दूरी होती है वो एकदम बहुत ही अच्छे और मेंटेन की गई है, ताकि कोई तकलीफ ना रहे और पौधे की जो बीज की दूरी रहती है वो एकदम बराबर दूरी रहती है। तो आप कम से कम आप 2 केजी जीरे का बचत कर सकते हैं। जो बीज जीरे का बीज होता है वो बहुत महंगी क्वालिटी का होता है, आप कोई भी ब्रांड खरीदते हैं तो महंगी क्वालिटी का आता है। तो आप उसकी जो आप बीज की बचत के अंदर आप पूरी ज़मीन की बुआई कर सकते हैं, जो बीज के बचे हुए पैसे से आप पूरी ट्यूबवेल की या आपके मुरबे की है जो भी खेती है वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आप ये मशीन ख़रीद के आप अच्छे बीज की बचत से आप पूरी ज़मीन का जो आपका डीजल वेस्टेज होता है, डीजल जो यूज होता है वो आपका जीरा वेस्ट होता है उसमें आप निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी मशीन है और आप खरीद सकते हैं। कई किसानों के डाउट होते हैं कि भाई हाथ से छिड़काव में इतने केजी जीरो जाता है और वो भी कहीं पे बराबर नहीं होता है, अपने को लगे कि भाई 3.5 केजी डाला तो अच्छा होगा। तो वो सब डाउट आप निकाल दें और ये मशीन ख़रीद के आप अच्छी बुआई करते हैं। और उसके साथ साथ जो फ़ायदे होने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप बुआई करते हैं, बोने के बाद में जो आपकी पानी की बचत होती है वो भी इस मशीन के अंदर आपकी पानी की भी बचत होती है। क्योंकि इसकी जो बीज के ऊपर जो मिट्टी रहती है वो इस हिसाब से रहती है ताकि वो बीज जल्दी से बाहर निकल जाए। आप उगाव के टाइम के अंदर 3.5-4 घंटे या 5 घंटे पहले पुराने टाइम में हाथ से छिड़काव में डालते थे, उतना आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इस मशीन से बोए हुए जीरे के अंदर आप कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक पानी की बचत कर सकते हैं, क्योंकि जीरा आपका जल्दी बाहर निकल जाएगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने किसान भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को आगे से आगे शेयर करिए और जल्दी ऑर्डर दीजिए और मशीन खरीदिए। कई किसानों के सवाल रहते हैं कि इसमें बीज नीचे गिर जाता है या ऊपर गिर जाता है, कितने जगह पर गिरना चाहिए, तो वो सिस्टम इस मशीन के अंदर दे रखा है। आपको कितना नीचे बीज गिरना है वो भी आप सेटिंग कर सकते हैं और कहाँ पे रखना है वो भी आप कर सकते हैं। और वैसे आप मशीन ख़रीदते हैं उस टाइम आपको मशीन एकदम सेटिंग की हुई भी मिलेगी, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जीरा अंदर डाल के अच्छी बुआई करनी। और आपकी राय मैसेज में ज़रूर लिख के डालें और टाइम पे ऑर्डर दें ताकि आपको टाइम पे मशीन मिल सकें। और जो सुपर फास्ट कंपनी की मशीन से बोया हुआ जीरा आप यूट्यूब पे जाके भी